हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक एपिडेमियोलॉजी। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। नाउ द वर्ड एपिडेमिक डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, ठीक है, एपिडेमिक ग्रीक वर्ड से आया है। तो इसे हम तीन, एपी मीन्स अमंग, डेमोज मीन्स पीपल एंड लोगोज मीन्स स्टडी, मतलब हम लोग स्टडी कर रहे हैं अमंग पीपल, लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये वर्ड जो है एपिडेमियोलॉजी जो है एपी, डेमोज एंड लोगोज, इस तरीके से ये आया ग्रीक वर्ड है। नाउ कमिंग टू द डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटर्मिनेंट्स of health related states or events in a specified population and application of this study to control the health problems, ये definition John M. Last ने 1988 में दी थी। और इसको learn करने का बहुत easy तरीका है, हम लोग study कर रहे हैं किस चीज़ की, distribution and determinants की, किन में, एक specified population में क्या पढ़ रहे हैं हम उनका हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स, और फिर हम ये सब पढ़ने के बाद, स्टडी करने के बाद, हम इस स्टडी को अप्लाई कर रहे हैं टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ रिलेटेड स्टेट्स और इवेंट्स इन अ स्पेसिफाइड पॉपुलेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी टू कंट्रोल द हेल्थ प्रॉब्लम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमें पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसको रिवाइज भी कर सकते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, भाई एपिडेमियोलॉजी के क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं, तो तीन कंपोनेंट्स हैं, डिजीज फ्रीक्वेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज। तो फ्रीक्वेंसी क्या है डिजीज की, वो डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है, और उसके डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हैं। तो ये तीन कंपोनेंट्स रहते हैं एपिडेमियोलॉजी के। तो डिजीज़ फ्रीक्वेंसी के अंडर हैंड क्या आता है, बेसिक मेजर्स जो कि रहता है रेट्स रेशियो, ये क्या करते हैं, रेट्स एंड रेशियो हमें अलाउ करवाते हैं कंपैरिजन को, हम दो पॉपुलेशन के अंदर कंपेयर करते हैं कि भाई किस रेट से ये डिजीज़ बढ़ रही है, किन मेल्स में ज़्यादा हैं या फीमेल्स में ज़्यादा हैं। तो ये चीज़ हम कंपैरिजन में हमको हेल्प करती है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ कि भाई ये डिजीज़ जो है किस पैटर्न्स में बढ़ रही है, कि भाई या तो वो बच्चों में ज़्यादा है या वो बड़ों में है, कोई पर्टिकुलर ज्योग्राफिक एरिया में है या कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो बढ़ रही है। तो पैटर्न्स का मतलब क्या रहता है, टाइम प्लेस और पर्सन, इनके अकॉर्डिंग वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है, ठीक है। नाउ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़ कि भाई उसके कॉजेज क्या हैं एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो हमने कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी में क्या पढ़ा, डिजीज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स। डिजीज़ फ्रीक्वेंसी के अंडर एंड है रेट्स एंड रेशियो जो कि हमें कंपैरिजन को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन में हमें बताता है कि टाइम प्लेस और पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट है, एंड डिटर्मिनेंट्स में बताता है कि उसके कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। नाउ एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि भाई ये डिजीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिटर्मिनेंट्स को बताती हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड, किस मैग्नीट्यूड से ये मतलब ज़्यादा है या कम है या क्या वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारा मेन क्या रहता है एपिडेमियोलॉजी का एम, कि हमको बताना है कि भाई इसका मैग्नीट्यूड और डिस्ट्रीब्यूशन क्या है डिजीज़ का, उसके एटियोलॉजिकल फैक्टर्स को बताता है वो, और हमें डेटा मिलता है जिसकी वजह से हम प्लानिंग करते हैं और इवेल्युएशन करते हैं हेल्थ सर्विसेज का, ताकि हम प्रिवेंट एंड कंट्रोल कर सकें डिजीज़ को। एलिमिनेट और रिड्यूस द हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, इसी की वजह से हम इस हेल्थ प्रॉब्लम्स को रिड्यूस कर पाते हैं, एंड प्रमोट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है। तो एपिडेमियोलॉजी जो है वो पूरा सोसाइटी से रिलेटेड है, स्टडी अमंग पीपल, ठीक है। तो ये एक पर्टिकुलर केस या कोई पेशेंट नहीं है, यहाँ पे हमारा पूरी पॉपुलेशन ही स्टडी मटेरियल है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एम ऑफ द एपिडेमियोलॉजी। नाउ कमिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, प्रिंसिपल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हमें वाइवा में पूछा जाता है और हम उस टाइम पे बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें नहीं पता होता है।
तो प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी क्या रहते हैं कि भाई एक तो एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, जो भी हम वहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, दैट शुड बी स्ट्रिक्ट, विग्रस, एक्यूरेट एंड प्रिसाइज. जो हमारा ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, और जो हमने ऑब्जर्व किया उसको करेक्टली हमको इंटरप्रिटेट भी करना है, जिसमें कोई एरर ना हो, तभी हमारी जो स्टडी है या हमारा ऑब्जर्वेशन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा. नाउ रेशनल एक्सप्लेनेशन, अब हम उसको जो हम इंटरप्रेट कर रहे हैं उनको हम एक्सप्लेन भी कर पाना चाहिए कि भाई हाँ ये रीज़न की वजह से ये है, और इसका सेंस होना चाहिए, दैट शुड बी इंटेलिजेंटली एक्सप्लेन्ड. तो ये जो हैं एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, करेक्ट इंटरप्रिटेशन, रेशनल एक्सप्लेनेशन, एंड जब हमने सारी चीज़ें, तीनों चीज़ें जब हमने कर लिया, उसके बाद रहेगा साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. अब हमारे नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स के हिसाब से हमें रिपोर्ट भी देनी होगी. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी है. तो इसको एक निमोनिक के तौर पे भी हम लोग लर्न कर सकते हैं. एवरी चाइल्ड रिक्वायर्स सपोर्ट, हर बच्चे को एक सपोर्ट चाहिए. तो ई फॉर एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, सी फॉर करेक्ट इंटरप्रिटेशन, आर फॉर रेशनल एक्सप्लेनेशन, एंड एस फॉर साइंटिफिक कंस्ट्रक्शन. इस तरीके से आप प्रिंसिपल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी को बिल्कुल याद रख सकते हैं, एंड यू विल नॉट फॉरगेट. नाउ एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोचेस, अब हम स्टडी कर रहे हैं अमंग पॉपुलेशन, तो उसके लिए हमें अप्रोच भी तो करनी पड़ेगी. उसके हम क्या अप्रोच लगाएंगे, आस्किंग क्वेश्चंस, ठीक है. हम उन पॉपुलेशन से हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे कि भाई व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं टू प्रिवेंट द डिजीज़, रोक कैसे सकते हैं, कब ये चीज़ ज़्यादा हुई, कहाँ पे ये ज़्यादा है और क्यों है, किसको हुई है. तो ये पैटर्न्स को बताता है, डिस्ट्रीब्यूशन को, फ्रिक्वेंसी को. तो इस तरीके से हम लोग जो क्वेश्चंस पूछेंगे उन लोगों से वो रिलेटेड रहेंगे हेल्थ और रिलेटेड इवेंट्स से. उसके बाद जब हमने क्वेश्चन पूछ लिया तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच क्या रहेगी, मेकिंग कंपैरिजंस. अब हम उनमें कंपेयर करेंगे कि भाई किन लोगों में ये चीज़ अफेक्ट हुई है और किन में नहीं हुई, हेल्दी अनहेल्दी पॉपुलेशन के अंदर. तो ये जो थी अप्रोचेज हैं आस्किंग क्वेश्चंस एंड मेकिंग कंपैरिजंस, तो ये भी कई बार वाइवा में पूछा जाता है तो हमें पता होना चाहिए. नाउ टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, अब हमारे टूल्स क्या हैं एपिडेमियोलॉजी के लिए, किन चीज़ों से हम एपिडेमियोलॉजी को परफॉर्म करते हैं. तो हमारा एक रहता है रेट्स एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक है. तो ये तीनों जो रूल्स हैं इन, ये हमें पता होना चाहिए कि रेट्स क्या हैं, रेशियो क्या है, प्रपोर्शन क्या है, क्योंकि ये वाइवा में हमसे पूछा जाता है, तब कई बार हम लोग ब्लैंक हो जाते हैं. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेट्स क्या है. तो जो रेट है, मेजर्स अक्रेंस ऑफ सम पर्टिकुलर इवेंट इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, कोई पर्टिकुलर इवेंट को बताता है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम है उसमें वो एक पर्टिकुलर इवेंट को बताता है. इसमें न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ अ डिनोमिनेटर. देखिए इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ कि जो हमारी मिड ईयर पॉपुलेशन है उसी पॉपुलेशन में से नंबर ऑफ डेथ है वन ईयर के अंदर. तो यहाँ पे देखिए हमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ है वन ईयर वाला, ठीक है, और पॉपुलेशन कितने लोगों की डेथ हुई है पर्टिकुलर इवेंट में से और मिड ईयर पॉपुलेशन में से हम लोगों ने इसको पता लगाया. तो न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है. तो सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका डेथ रेट, ठीक है. डेथ रेट के लिए हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ डेथ इन वन ईयर, टाइम पीरियड यहाँ गिवन है, हमें यहाँ रेट्स में टाइम पीरियड गिवन रहेगा, एंड मिड ईयर पॉपुलेशन उसी का ही पार्ट है, न्यूमरेटर इज द पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है. तो रेट्स जो हैं ये वाइवा में पूछा जाता है, जो कि हमको पता होना चाहिए. नाउ कमिंग टू द रेशियो, इट डिनोट्स द रिलेशन बिटवीन टू रैंडम क्वांटिटीज, मतलब दो क्वांटिटीज़ में क्या रिलेशन है, ठीक है. अब यहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं होगा, ठीक है. तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई चिल्ड्रन अनीमिया के साथ में जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, एंड चिल्ड्रन विद विटामिन सी डेफिशिएंसी. तो यहाँ देखिए दोनों ही जो चिल्ड्रन हमारी पॉपुलेशन है वो रैंडम अलग अलग हैं, किसी को अनीमिया है तो किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी है, ठीक है. और यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पार्ट नहीं है, मतलब दोनों ही रैंडम क्वांटिटीज़ हैं. तो ये हो गया हमारा रेशियो.
नाउ कमिंग टू द प्रोपोर्शन, अब प्रोपोर्शन जो रहता है वो नाम सुनते ही हमें लगता है प्रोपोर्शन मतलब कि परसेंटेज, ठीक है, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं हमेशा परसेंटेज में। इट एक्सप्रेस द रिलेशन इन मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड को बताता है ऑफ अ पार्ट ऑफ द होल, जैसे कि भाई होल एक पर्टिकुलर होल नंबर में कितने परसेंटेज, हम उस परसेंटेज को उसमें से अलग कर लेते हैं, जैसे कि न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर, यहाँ पे न्यूमरेटर रिलेटेड है डिनोमिनेटर से और ये परसेंटेज में रहेगा तो मल्टीप्लाइड बाय 100। देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डेंटल केरीज, कितने लोगों को डेंटल केरीज हुई है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, सपोज कीजिए कि 100 स्टूडेंट्स हैं उनमें से 20 बच्चों को डेंटल केरीज हो गई है, तो 20 अपॉन 100 इंटू 100, तो उससे हमारा जो होगा वो प्रोपोर्शन निकल जाएगा। तो हमारा रेट और प्रोपोर्शन जो था वो न्यूमरेटर इज़ अ पार्ट ऑफ द डिनोमिनेटर था, जबकि रेशियो जो था वो दो रैंडम क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन था। ये तीनों जो हैं हमने टूल्स ऑफ एपिडेमोलॉजी पढ़ा है, ठीक है। नाउ बेसिक मेजरमेंट्स इन द एपिडेमोलॉजी, अब हम लोग एपिडेमोलॉजी में मेजर क्या कर रहे हैं, ठीक है, हमने सारी चीज़ें तो देख ली कि भाई अब हम लोग मेजर करें, पर मेजर कर क्या रहे हैं, तो हम लोग मेजर करते हैं मोर्टैलिटी। मोर्टैलिटी हमेशा ध्यान रखना ये डेथ से रिलेटेड रहती है, या मतलब इसको ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा मतलब नुकसान होता है मोर्टैलिटी, ठीक है। तो क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, केस फिटैलिटी रेट, ठीक है, केस फिटैलिटी का ध्यान रखना है किलिंग पावर होती है, ठीक है, विरुलेंस ऑफ डिजीज से रिलेटेड रहती है। तो मोर्टैलिटी जो रहता है हम एपिडेमियोलॉजी में मेनली देखते हैं कि भाई मोर्टैलिटी कितनी है, कितनी डेथ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसको हम मेजर करते हैं। मॉर्बिडिटी को हम मेजर करते हैं कि भाई कितना जो स्टेट ऑफ वेलबींग जो रहता है उससे डिपार्चर कितना हुआ है, ठीक है, किस फ्रीक्वेंसी से हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी, तो उसके अंदर हम लोग इंसिडेंस और प्रिवलेंस को भी पता लगाते हैं, नंबर ऑफ़ न्यू केसेस, नंबर ऑफ़ ओल्ड एंड न्यू केसेस, ठीक है, तो इंसिडेंस प्रिवलेंस को देखते हैं, कितना ड्यूरेशन हो गया है उसकी डिसेबिलिटी की वजह से, तो हम डिसेबिलिटी रेट को पता लगाते हैं, कितने लोग डिसेबल्ड हैं वो भी मेजर किया जाता है। नेटैलिटी मीन्स फर्टिलिटी से रिलेटेड चीज़ें हम मेजर करते हैं। डिजीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मतलब कि टाइम, प्लेस, पर्सन, पैटर्न्स से जो रिलेटेड रहता है। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, भाई क्या फैक्टर्स रिलेटेड हैं इस चीज़ को करने के लिए। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स को भी हम लोग मेजर करते हैं। डेमोग्राफिक वेरिएबल्स में हमने, आप जाके चेक कर सकते हैं मेरी डेमोग्राफिक ट्रेंड्स जो हमने वीडियो अपलोड किया है, उसमें आप पूरा डेमोग्राफी के बारे में देख सकते हैं। तो उसमें जो वेरिएबल्स रहते हैं कि भाई एज, पॉपुलेशन, वो सारी चीज़ें जो रहती हैं वो उसमें आता है। नाउ हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ और कितनी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ है और उनका यूटिलाइजेशन कितना हुआ है, तो वो चीज़ भी हम मेजर करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम लोग एपिडेमियोलॉजी में मेनली मेजर करते हैं, मोर्टैलिटी, मॉर्बिडिटी, डिसेबिलिटी, नेटैलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, डेमोग्राफिक वेरिएबल्स एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ एंड देयर यूटिलाइजेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। नाउ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस चार्ट को हम लोगों को कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमने लिखी है नहीं लिखी है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा उससे रिलेटेड चीज़ें भी लिख देते हैं तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। अब कन्फ्यूजन ना हो उसके लिए हमें ये चार्ट बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए, और आप भी इसको 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आप देखिएगा आप इस चीज़ से कभी कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो एपिडेमियोलॉजी जो रहती है उनकी जो ये अलग अलग टाइप्स जो रहती हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड है ये चार्ट। तो पहला अगर हम देखते हैं, डिड इन्वेस्टिगेटर असाइन एक्सपोजर्स, एक्सपोजर्स क्या रहते हैं, क्या हम लोग कोई रिस्क फैक्टर्स उनको दे रहे हैं, ठीक है, ट्रायल्स में, या तो वो जो ट्रायल्स वगैरह जो रहते हैं उनके अंदर हम देखते हैं कि भाई क्या इन्वेस्टिगेटर या एग्जामिनर कोई एक्सपोजर दे रहा है या नहीं। अगर हाँ दे रहा है तो हम लोग जो स्टडी करते हैं वो होता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ठीक है। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए। अगर एक्सपोजर नहीं है तो हमारी स्टडी रहेगी ऑब्जर्वेशनल स्टडी, ठीक है। तो येस एंड नो के ऊपर हमारा डिपेंड करेगा कि एक्सपेरिमेंटल है कि ऑब्जर्वेशनल है। तो कभी भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है, जब भी आपसे अगर कोई वाइवा में पूछता है तो आपको एकदम से ये चार्ट माइंड में रखना है और उसको फटाफट से एग्जामिनर को आंसर देना है, ठीक है।
ठीक है, क्योंकि सबसे कन्फ्यूजन वाला टॉपिक रहता है. नाउ एक्सपेरिमेंटल स्टडी, अगर हमने एक्सपोजर दिया है, ठीक है, तो इसके अंदर दो तरीके के रहते हैं, रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल एंड नॉन रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल. इन चीज़ों को हम फर्दर और डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे. फिलहाल आप ये देखिए कि रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल यानी RCT, जिसमें रेंडम अलोकेशन होता है पार्टिसिपेंट्स का, और नॉन रेंडमाइज के अंदर रेंडमाइजेशन हम नहीं करते. फर्दर डिटेल्स में हम इसको पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में. तो फिलहाल आप ये ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंटल स्टडी जो है रेंडमाइज एंड नॉन रेंडमाइज दो तरीके की रहती हैं, और डिटेल में इनको हम फिर पढ़ेंगे. अब हमने देखा कि भाई ये तो एक्सपोजर हमने असाइन किया है, तो अगर हमारा एक्सपोजर हमने असाइन नहीं किया है तो फिर क्या होगा? तो ये रहेगा कि भाई हमारी ऑब्जर्वेशनल स्टडी रहेगी. अब ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंदर भी है, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो ग्रुप्स के अंदर, जैसे कि भाई कोई टीचर आए हैं क्लास के अंदर, उनको हैंडराइटिंग को देखना है. दो सेक्शन है, सेक्शन ए एंड बी. अब अगर सेक्शन ए और बी को हमें हैंडराइटिंग को अगर हमें कंपेयर करना है, तो वो जो हमारी स्टडी रहेगी वो एनालिटिकल स्टडी रहेगी. मतलब हम दो ग्रुप में कंपैरिजन कर रहे हैं, लेकिन हम आ गए, हमने उनको हैंडराइटिंग के लिए पेपर और पेन दे दिया, आप राइटिंग कीजिए, और कोई कंपैरिजन नहीं है सेक्शन ए और बी में. मतलब हम ओवरऑल देख रहे हैं कि भाई हैंडराइटिंग अच्छी है या नहीं है, हम कंपेयर नहीं कर रहे हैं. जब हम कंपेयर नहीं करते हैं तो वो वाली जो स्टडी रहती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी कहलाती है. हम सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं, आके सिर्फ हम देख रहे हैं. हम दोनों सेक्शंस में ये नहीं देख रहे हैं कि कौन से सेक्शन की राइटिंग ज़्यादा अच्छी है, हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं किन की ज़्यादा अच्छी है. ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हों. अब जो एनालिटिकल स्टडी में कंपैरिजन ग्रुप है, तो हम लोग इसमें जो स्टडीज़ रहती हैं वो होती हैं कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल एंड क्रॉस सेक्शनल. अब कोहर्ट स्टडी जो रहती है ये फॉरवर्ड लुकिंग होती है, केस कंट्रोल जो रहती हैं ये बैकवर्ड होती हैं, और क्रॉस सेक्शनल जो होती हैं इसमें एक्सपोजर और जो हमारा एक्सपोजर है और आउटकम है वो सेम टाइम पे रहता है. तो कोहर्ट में तो ग्रुप ऑफ कोहर्ट रहता है हमारा, जिसमें हम कंपेयर करते हैं. केस कंट्रोल में केसेस और कंट्रोल्स रहते हैं, और क्रॉस सेक्शनल में भी जो हमारी पॉपुलेशन रहती है उनमें हम कंपैरिजन करते हैं. तो हमारा अगर कंपैरिजन वाला ग्रुप है तो वो एनालिटिकल है, लेकिन कंपैरिजन वाला ग्रुप अगर नहीं है, सिंपली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उसमें जो आती हैं डिस्क्रिप्टिव स्टडी में केस रिपोर्ट, केस सीरीज, सर्वेज एंड इकोलॉजिकल स्टडीज, जिसमें हम लोग सिंपली ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी के अंडर हैंड आती हैं एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव. बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कंपैरिजन ग्रुप है तो हमारी एनालिटिकल, अगर नहीं है तो हमारी डिस्क्रिप्टिव. तो ये चार्ट आपको बिल्कुल थॉरोली याद रखना है ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो. नाउ एपिडेमियोलॉजी और क्लिनिकल मेडिसिन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ये कई बार हमसे वाइवा में पूछा जाता है. तो सडनली हमको एकदम से पॉइंट्स याद नहीं आते हैं, क्योंकि एकदम बोल नहीं पाते, हमें पता होता है कि ये डिफरेंसेस हैं, पर कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ एपिडेमियोलॉजी स्टडी अमंग पॉपुलेशन, तो हमारी स्टडी ग्रुप क्या हो गया, हमारा डिफाइंड पॉपुलेशन या स्पेसिफिक पॉपुलेशन जो भी हमने चुनी है. लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन में केस या केसेस रहते हैं, ठीक है, ये डिजीज़ पैटर्न से रिलेटेड रहती है, लेकिन ये सिर्फ डिजीज़ से रिलेटेड रहती है. पैटर्न हमने पढ़ा था, टाइम प्लेस पर्सन के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहता है. अब जो हम एपिडेमियोलॉजी से जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है, वो ही हमें बताता है कि भाई इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, क्या स्प्रेड का कारण है, और क्या उसके लिए कंट्रोल मेजर्स हम कर सकते हैं. लेकिन क्लिनिकल मेडिसिन में जो हमारा डायग्नोसिस रहता है, प्रोग्नोसिस रहता है, और जो प्रिस्क्रिप्शन हम देते हैं ट्रीटमेंट के लिए, वही चीज़ जो होती है वो मेन हमारा डायग्नोसिस से रिलेटेड रहता है. यहाँ पे क्या होता है, जो भी एग्जामिनर है या इन्वेस्टिगेटर है वो पॉपुलेशन के पास खुद जाता है, वो नहीं आते हैं, वो खुद जाता है. यहाँ पे पेशेंट आता है हमारे पास, यहाँ हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, पेशेंट आएगा. जो हमारे रिजल्ट हैं, ठीक है, वो टेबल्स और ग्राफ्स के फॉर्म में हम लोग देते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल एंड लैब एग्जामिनेशन की रिपोर्ट्स रहती हैं. तो ये जो डिफरेंसेस हैं क्लिनिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल मेडिसिन में, ये हमको पता होने चाहिए, कई बार वाइवा में पूछा जाता है.
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी से, और उसके बाद और वीडियोज़ आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।